पहला प्रश्न है मैया का है। उन्होंने अपना नाम और शहर गुप्त रखने के लिए बोला है। मानसी सेवा में कैसे प्रवेश करें? मानसी सेवा में कैसे प्रवेश करें, इसके लिए बहुत आवश्यक है पहले तो आप दीक्षा लें, और दीक्षा ऐसे गुरु से लें जिनका खुद का मानसी सेवा में प्रवेश हो। बहुत सारे गुरुजन ऐसे हैं जिनका मानसी सेवा में प्रवेश नहीं है। दूसरा, मानसी सेवा से पहले पूरा फिलोसॉफिकली, फिजिकली मानसी सेवा क्या है, उसमें किसका अधिकार है, यह सारी बातें बैठकर अपने गुरुदेव से या जो मानसी सेवा के विशेषज्ञ हैं और आपके सजातीय हैं, जैसे आपने गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ली हुई है और आपके गुरुदेव से आपका मिलन नहीं हो पाता है, वो उपलब्ध नहीं है, तो गौड़ीय संप्रदाय में जो मानसी सेवा के विशेषज्ञ संत हैं, बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर, कोई 1 करोड़ में 1-2 मिलेंगे, लेकिन हैं, अभाव नहीं है। आप उनकी खोज करें और उनसे पता करें, उनका संग करें, उनके साथ बैठें, मानसी सेवा सीखें, तो आपका मानसी सेवा में धीरे धीरे प्रवेश हो जाएगा। मानसी सेवा के साथ साथ पहले आपको फिजिकल राजसिक सेवा जिसे कहते हैं, फिजिकल श्री विग्रह विराजमान करके उनकी सेवा भी करनी ही होगी। उनकी सेवा करते करते धीरे धीरे आप मानसिक में प्रवेश कर जाएंगे। उस राजसिक और मानसिक का मिश्रण भी पहले प्रारंभ होता है। जैसे आपने ठाकुर को स्नान कराया, भोग धराया, अब आपके पास केवल ठाकुर के भोग के लिए आलू के पराठे बने हुए हैं, तो वो आलू का पराठा भोग लगाइए ठाकुर को, साथ में आंखें बंद करके ठाकुर को बढ़िया बढ़िया केसर मिश्रित घी लगाइए, खीर लगाइए, भोग माखन लगाइए, मिश्री लगाइए, और जो भी पदार्थ आपके मन में आ रहे हैं उनको मानसिक रूप से भोग लगाइए। ऐसे ही ठाकुर को मानसिक रूप से आपके पास तो एक मुरली है, बढ़िया सी एक रत्न जटित मुरली धराइए, बढ़िया सा एक मुकुट धारण कराइए, बढ़िया सी एक ओढ़नी प्रिया जी को धराइए। यहाँ से मानसिक सेवा की शुरुआत होती है। फिर भी एक एक्सपर्ट से आपको इसकी शिक्षा दीक्षा लेनी ही होगी। जय श्री राधे।